अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फोर स्टार किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुभान व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब के साथ एक हदीस पाक शेयर करूंगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे गम बढ़ जाए और तुम इन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दरूद भेजो, तुम्हारे गमों को ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह सुभान ताला हम सब के दुख तकलीफ़ें परेशानियों को दूर फरमाए और हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है उसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें और कोशिश करें ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज आप सबके साथ खोया बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मैं पाउडर मिल्क से तैयार करूंगी, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में खोया नहीं मिलता तो इसको पाउडर मिल्क से ही बनाना पड़ता है। आजकल सीज़न है हलवा वगैरह बनाने का, मुख्तलिफ किस्म के स्वीट डिशेस वगैरह बनाई जाती हैं सर्दियों में, तो इसके लिए खोया बहुत ज़रूरी होता है। खोया बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप पाउडर मिल्क लिया, आप कोई भी अच्छा सा पाउडर मिल्क ले सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है और 1 कप मैंने फ्रेश क्रीम ली है। इन तीनों चीज़ों से मैं खोया बनाऊंगी। इतनी जल्दी ये रेडी हो जाता है और इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है खोए का, और बिल्कुल खोए का ही जायका आता है। और आप गाजर का हलवा, अंडों का हलवा, दाल का हलवा, किसी भी स्वीट डिश में आप इसको डाल सकते हैं। चलिए अब इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली लेंगे हम, नॉन स्टिक की हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नॉन स्टिक की पतीली में बहुत अच्छा खोया रेडी होता है। फ्लेम हम ऑन करेंगे। सबसे पहले इसमें घी ऐड करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसी तरह इसको हिलाते रहेंगे। क्रीम को हिलाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इस स्टेज पे आप पाउडर मिल्क इसमें ऐड कर दें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर दें। अगर आप क्रीम नहीं डालना चाहते तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं क्रीम की जगह पे। अब बाकी का पाउडर मिल्क भी आप इसमें ऐड कर दें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। लो फ्लेम पे आप इसको उस वक्त तक हिलाते रहें जब तक ये इकट्ठा ना हो जाए। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खोया हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें ये इकट्ठा हो चुका है, पहले ऐसे बिखरा हुआ था, अब देखें ये साथ चिपक रहा है। खोया माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा होममेड खोया बिल्कुल रेडी है। ये देखें ये 5-6 मिनट के अंदर अंदर ही रेडी हो चुका है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा और फ्रिज में ये कम से कम 10-12 दिन आराम से निकल जाएगा।
आप किसी भी स्वीट डिश में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही मजे का बना है। आप घर में ही ये खोया बनाएं, साफ सुथरा और बहुत अच्छा बन जाता है। आप किसी भी स्वीट डिश में डालना हो तो आप घर में ये बहुत जल्दी पाउडर मिल्क से रेडी कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा जायका बनता है। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।